भारत ने गहरे समुद्र की गहराई और उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए अपना पहला समुद्री मिशन शुरू किया है। इस मिशन को समुद्रयान मिशन कहा जाता है और यह 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा। पनडुब्बी एक सबमर्सिबल वाहन है जो लोगों को समुद्र में नीचे ले जा सकता है। इस मिशन के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई भेजा जाएगा। गौरतलब है कि इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT काम कर रहा है। जिस वाहन को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में ये वाहन जल्द ही तैयार हो जाएगा। मत्स्य 6000 एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल है जो कई उन्नत सुविधाओं से लैस है। इन सुविधाओं में एक मजबूत और सुरक्षित पतवार, एक शक्तिशाली इंजन, एक उन्नत ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली, एक उन्नत वीडियो फोटोग्राफी प्रणाली और एक उन्नत संचार प्रणाली शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। इस विशिष्ट मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। दरअसल भारत से पहले देशों के पास समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन है। समुद्रयान मिशन 6000 करोड़ रुपए के गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है। डीप ओशन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 16 जून 2021 को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES मिलकर स्वदेशी रूप से मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित किया है। मत्स्य 6000 के विकास से स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल और ब्लू इकोनॉमी के लिए समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। गहरे समुद्र में स्थित संसाधनों में तेल और गैस, खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैव ईंधन और पेयजल शामिल हैं। इन संसाधनों का विकास भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES के सचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि मत्स्य 6000 सबमर्सिबल का डिजाइन पूरा हो गया है और वाहन के विभिन्न घटकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सबमर्सिबल गहरे समुद्र में मानव द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा, जो निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट, मैंगनीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज और सैंपल के संग्रह में मदद करेगा। इन नमूनों का उपयोग बाद में विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। समुद्रयान मिशन का पहला चरण 2023 में शुरू होगा। इस चरण में 3 लोगों को सबमर्सिबल वाहन में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाया जाएगा। वे गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। यह पनडुब्बी 6000 मीटर की गहराई तक उतरने और 36 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती है। आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक ही जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 6000 मीटर ये समुद्रयान की रेंज काफी बड़ी है। समुद्रयान मिशन का दूसरा चरण 2024 में शुरू होगा। इस चरण में गहरे समुद्र में संसाधनों का खनन किया जाएगा। यह मिशन भारत को आर्थिक रूप से भी लाभान्वित करेगा। भारत एक अद्वितीय समुद्री देश है। ये 7517 किमी लंबी तटरेखा, 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। भारत सरकार का गहरे समुद्र मिशन भारत के समुद्री क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। यह मिशन गहरे समुद्र में स्थित संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करेगा और इन संसाधनों के दोहन के लिए तकनीकी विकास करेगा। यह मिशन भारत को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। तो आशा है कि ये वीडियो ने आपके जानकारी में वृद्धि की होगी। हम बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें जिससे आपको सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।